भी दूँ तो कैसे हो तुम लोग। तो आज का वीडियो हो बीब्लेड टाइमलाइन के ऊपर। तो टाइमलाइन मतलब तुमने सोच रहे होगे कि यार बीब्लेड में टाइम ट्रेवल कब हुआ। तो आज की वीडियो में इसको ही डिस्कस करने वाला हूँ। बीब्लेड में टाइम ट्रेवल हुआ है और आपको ये नहीं पता, पर मैंने बहुत ज़्यादा देखा और तब मुझे एक बात समझ में आई कि इसमें बेंटन जब देख रहा था तो ये तो बीब्लेड में भी लागू होगा। तो मैंने सोचा एक एक्स्ट्रा वीडियो ही बनाता हूँ तुम लोगों के लिए, जिससे तुम लोग इस वीडियो में समझ पाओ। और इस वीडियो को प्लीज़ अच्छा रिस्पॉन्स देना, तो इसके बाकी पार्ट्स भी जल्दी आएंगे क्योंकि एक पार्ट में समझाना मुश्किल होगा। तो खैर बिना किसी देरी के अपनी इस इंटरेस्टिंग बीब्लेड की टाइमलाइन वीडियो को शुरू करते हैं। तो बीब्लेड में टाइम ट्रेवल हुआ है, शायद आप लोग कह रहे कि तू पागल हो चुका है। तो पहले बता देता हूँ कि ये ऑफिशियल नहीं है, बस मेरी थ्योरी है और ये सिर्फ वीडियो मज़े के लिए, मतलब यार मज़ा करने के लिए। बीब्लेड में ऑलरेडी मिस्ट्री नहीं है तो हम लोग मज़े के लिए कुछ हम लोग बना सकते हैं। तो ये वीडियो मज़े के लिए सिर्फ एंटरटेन में लेना, ठीक है। बात करते हैं तो देखो, अभी बीब्लेड ओरिजिनल टाइमलाइन यानी कि बीब्लेड ओरिजिनल से इसको हम ओरिजिनल टाइमलाइन कहते हैं, और जो बीब्लेड मेटल से रिसाइबल बीब्लेड बर्ड सीरीज है वो अलग टाइम लाइन है। मतलब मैं तुमको इजी वे में समझाता हूँ। जैसे हमारी गैलेक्सी का नाम है मिल्की वे गैलेक्सी, और उसकी तरह और गैलेक्सी रह सकती है। मतलब अभी अगर हम लोग जिस पृथ्वी पर रह सकते हैं उसकी तरह 7-8 जितने मतलब अनगिनत पृथ्वी है, और उसमें हमारे जैसे बहुत सारे लोग हैं, यानी कि तुम्हारे जैसा एक सेम लोग भी वहाँ हैं। और ये है मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट, और वैसे ही मल्टीवर्स के कॉन्सेप्ट में हमें बीब्लेड ओरिजिनल सीरीज को मेन टाइमलाइन दिखाया गया है, और फिर आता है बीब्लेड मेटल सीरीज और बीब्लेड बर्ड सीरीज जो है अल्टरनेट टाइमलाइन यानी कि अलग अलग डायमेंशन में। तो बीब्लेड ओरिजिनल सीरीज मेन टाइमलाइन हो गया बीब्लेड का, और उसके बाद से ही बीब्लेड की अल्टरनेट टाइमलाइन बनना शुरू हो गई, यानी कि अलग अलग गैलेक्सी होना शुरू हो गई, जैसे कि बीब्लेड मेटल सीरीज और बीब्लेड बर्ड सीरीज। अब ये बात आती है कि बीब्लेड में तुम्हें कैसे बताया यार भाई, थोड़ा प्रूफ दो। हम पता है प्रूफ दूंगा क्योंकि ये थ्योरी जो है मैंने इस पर थोड़ा सा प्रूफ भी निकाला है। तो देखो टाइसन के जो बीब्लेड है, तो पहला जो प्रूफ है वो है टाइसन। टाइसन कभी हमें मेटल सीरीज में नहीं दिखाया भले, और उसने बर्ड सीरीज में भी हमें नहीं दिखाया गया। हाँ पता है राइटर चेंज होने की वजह से होता है, पर फिर भी देखो टाइसन उस डाय मतलब टाइसन जो है वो जिंगा के डायमेंशन में नहीं है। और हाँ, और एक प्रूफ है उनका बीब्लेड, उनका बीब्लेड बहुत ही अलग है। ओरिजिनल का ले लो, बर्ड का ले लो और मेटल का ले लो, कोई भी सिमिलरिटी नहीं है, सिर्फ घूमना सिमिलरिटी है और कुछ स्पिरिट का कॉन्सेप्ट सिमिलरिटी है, पर उनका बीब्लेड का डिज़ाइन सब कुछ अलग है। और हाँ, इसीलिए टाइसन जो है वेयुगा के डायमेंशन या फिर क्या कहते हैं वॉल्ट के डायमेंशन में नहीं आ सकता। मुझे बंदे ने भी पूछा था कि भाई क्यों नहीं आता, क्यों नहीं है टाइसन और जिंगा बर्श में, तो इसका रीज़न है अलग अलग डायमेंशन यानी कि अल्टरनेट टाइमलाइन होने की वजह से। और हाँ, इसका जो ऑफिशियल रीज़न है वो है राइटर चेंज होने की वजह से। इसको सीरियसली मत लेना, मजाक था, मतलब मजाक में मज़ा में इस वीडियो को बनाया है। और अगर तुम लोगों को इस टाइम ट्रेवल का नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बताओ कि नेक्स्ट पार्ट मैं लाऊं या फिर ना लाऊं, क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारी थ्योरी है। तो मैं मिला जा, तब तक बिस्मिल्लाह, और हमेशा की तरह खुदा हाफिज़।